ना उम्मीदी शैतान का अहम हथियार है। उल्मा इखला एक तमसीली वाकया बयान करते हुए फरमाते हैं कि एक दिन शैतान ने अपने तमाम वसाइल और हथियार बेचने का ऐलान किया। बहुत से लोग जमा हो गए। शैतान ने अपने तमाम वसाइल मसलन गुरूर, अना परस्ती, हसद, भजब, शोहरत तलबी, मुनाफिकत वगैरह आगे रखे हुए थे और इनकी कीमतें भी सामने लिख दी। लोग अपनी पसंद के हथियार देख रहे थे। एक शख्स ने एक बहुत ही पुरानी और बहुत ज्यादा इस्तेमाल शुदा चीज देखी तो शैतान से पूछा, ये क्या है? शैतान ने जवाब दिया, ये ना उम्मीदी है। उस शख्स ने पूछा कि ये है तो बहुत घिसी पिटी और पुरानी और तुमने इसकी कीमत भी ज्यादा लगाई हुई है। शैतान ने पुरसरार लहजे में जवाब दिया कि यही तो सबसे मौसर और काम वाला हथियार है। उस शख्स ने कहा, वो कैसे? शैतान ने जवाब दिया, जब मेरे सब हथियार काम करना छोड़ देते हैं तो मैं इसी नाउम्मीदी से इंसानों के दिल में रखना डालता हूँ और फिर जो करना चाहता हूँ कर लेता हूँ। और यह हथियार पुराना इसलिए है कि इसको मैंने हर इंसान पर आजमाया है। शुरू से लेकर आज तक जो भी इसका शिकार हुआ शिकस्त खा गया। दोस्तों, इसी तनाजुर में एक ऐसे गरीब शख्स का वाकया सुने जिसने अल्लाह से उम्मीद लगाई और सुरखरू हुआ। लखनऊ बाजार में एक गरीब दर्जी की दुकान थी जो हर जनाजे के लिए अपनी दुकान बंद कर देता था। लोगों ने कहा, इससे आपके कारोबार में नुकसान होगा। कहने लगा, उल्मा से सुना है कि जो किसी मुसलमान के जनाजे पर जाता है कल उसके जनाजे पर लोगों का हुजूम होगा। मैं गरीब हूँ, ना ज्यादा लोग मुझे जानते हैं, तो मेरे जनाजे पर कौन आएगा? इसलिए एक तो मुसलमान का हक समझ के पढ़ता हूँ और दूसरा ये कि शायद इसी से अल्लाह पाक राजी हो जाए। अल्लाह पाक की शान देखें कि 1902 में मौलाना अब्दुल हई लखनवी का इंतकाल हुआ। रेडियो पर बतलाया गया, अखबारात में जनाजे की खबर आ गई। जनाजे के वक्त लाखों का मजमुआ था, फिर भी बहुत से लोग उनका जनाजा पढ़ने से महरूम रह गए। जब जनाजा गाह में उनका जनाजा खत्म हुआ तो उसी वक्त जनाजा गाह में एक दूसरा जनाजा दाखिल हुआ और ऐलान हुआ कि एक और आजीज मुसलमान का जनाजा पढ़ कर जाए। ये दूसरा जनाजा उस दर्जी का था। जी हाँ, वही दर्जी जिसने अल्लाह से उम्मीद लगाई थी कि उसके जनाजे में भी बहुत से लोग आए। सो हुआ यूं कि मौलाना के जनाजे के सब लोग और बड़े बड़े अल्लाह वाले उल्मा इकराम सब ने इस दर्जी का जनाजा पढ़ा और पहले जनाजे से जो लोग रह गए थे वो भी इसमें शामिल हो गए। यानी इस गरीब का जनाजा तो मौलाना के जनाजे से भी बढ़कर निकला। अल्लाह पाक ने इस दर्जी की बात पूरी करके इसकी पुरउम्मीदी की लाज रखी। सच कहते हैं कि उम्मीद बहुत बड़ी नेमत है। हजरत अली का फरमान है, सबसे बड़ी मुसीबत उम्मीदों का टूट जाना है। अल्लाह हम सब की जिंदगी में आसानी अता फरमाए, आमीन। तरतीब व तहकीक अब्दुल मतीन उस्मानी, आवाज़ सलमान जुबैरी। वीडियो अच्छी लगे तो 15 या 20 ग्रुप में शेयर जरूर करें सवाब की नियत से। आपका एक सेकंड इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचाने का जरिया है। मेरी आपसे अपील है कि ला हासिल और बेमकसद पोस्ट और वीडियो हम सब शेयर करते हैं। आज की इस अहम वीडियो को शेयर करने से किसी की सोच में तब्दीली आएगी तो यकीनन आपको भी इसका अजर व सवाब मिलेगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपकी मालूमात में इजाफे का बाइस होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त अहबाब में ज़्यादा से ज़्यादा आम करें ताकि ऐसी और मालूमाती वीडियोस आपकी खिदमत में पेश की जा सकें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल के आइकान को क्लिक करें ताकि हमारी नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।